Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Students, today we are going to start our maths lecture from unit number 11, Simple Equations. And the topic is unknown quantity and root. कि अननाउन क्वांटिटी क्या होती है और रूट क्या होता है. आपके बुक के पेज नंबर 135 पे है ये टॉपिक. अब नेक्स्ट देखें कि अननाउन क्वांटिटी क्या है. द वेरिएबल फॉर विच अ वैल्यू इज टू बी डिटरमिनेड इज टर्म्ड एज द अननाउन क्वांटिटी ऑफ द इक्वेशन. कि जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल जिसकी हमने वैल्यू को जो है वो फाइंड करना होता है. वेरिएबल एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसकी वैल्यू कोई स्पेसिफिक नहीं होती, उसकी वैल्यू हमने खुद फाइंड करनी होती है किसी भी इक्वेशन में, तो उसको हम अननाउन क्वांटिटी ऑफ दैट इक्वेशन कहते हैं. जनरली आमतौर पे एक्स, वाई और जेड आर यूज्ड टू डिनोट द अननाउन क्वांटिटी. आमतौर पे एक्स, वाई और जेड को यूज़ करते हैं हम किसी भी अननोन क्वांटिटी को डिनोट करने के लिए, यानी वेरिएबल्स को डिनोट करने के लिए हमेशा जो है, या आमतौर पे हम जो अल्फाबेटिकली हमारे पास होते हैं अल्फ़ाबेट्स, उनको हम यूज़ करते हैं. जैसे एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, तो ये सारे जो अल्फ़ाबेट्स हैं ये अननोन क्वांटिटी को डिनोट करने के लिए यूज़ होते हैं. अदर सिंबल्स यूज्ड इन एन अलजेब्रिक इक्वेशन आर टेकन एज कॉन्स्टेंट. और बाकी जो इलामत होती हैं किसी भी अलजेब्रिक इक्वेशन के अंदर जो यूज़ हो रही होती हैं उनको कॉन्स्टेंट कहा जाता है. कॉन्स्टेंट मीन्स कि उनकी वैल्यू जो है वो कॉन्स्टेंट होती है, कभी भी चेंज नहीं हो सकती. कॉन्स्टेंट होता है अनचेंजेबल, जो कभी भी चेंज ना हो सके. वेरिएबल जो है वो चेंजेबल है, उसकी वैल्यू जो है वो हम खुद फाइंड कर सकते हैं, चेंज हो सकती है, कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है. लेकिन कॉन्स्टेंट्स जो होते हैं उनकी एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है और वो कभी भी चेंज नहीं होती. अ कॉन्स्टेंट हैज़ अ फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू. और कॉन्स्टेंट की एक जो है फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू होती है. कोई भी नंबर जो है वो फिक्स होता है, जैसे कि 1, 3, 15 एक्सेट्रा. कि किसी भी अजैविक इक्वेशन में अगर आपके पास कोई भी नंबर आएगा तो वो कॉन्स्टेंट होगा, यानी उसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते. द वैल्यू ऑफ द अननाउन क्वांटिटी सेटिस्फाई द इक्वेलिटी ऑफ बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेशन इज नाउन एज द रूट ऑफ द इक्वेशन. कि जो अननाउन क्वांटिटी होती है जो कि किसी भी इक्वेशन की दोनों साइड्स के अंदर इक्वेलिटी को होल्ड कर रही होती है, ठीक है. अननाउन क्वांटिटी की जो वैल्यू होती है, अब अननाउन क्वांटिटी की वैल्यू जो है वो इक्वेशन के वो दोनों साइड्स के मिड में जो इक्वेलिटी है उसको होल्ड कर रही है, तो वो अननाउन क्वांटिटी जो है वो इस इक्वेशन का रूट कहलाती है. हम कहते हैं कि जो वैल्यू है अननाउन क्वांटिटी की, जैसे कि x इक्वल है 5 के, तो 5 जो है वो इस इक्वेशन का रूट होगा. फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे द इक्वेशन 3x + 4 = 10. कि मिसाल के तौर पे इक्वेशन है 3x + 4 = 10 के इज सेटिस्फाइड बाय x इज इक्वल टू 2. तो ये सिर्फ x अगर 2 के इक्वल होगा तब ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होगी, ठीक है. तो x इक्वल टू 2, यहाँ पे x की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 2 के. हेंस 2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन. इसलिए यहाँ पे 2 जो है वो इस इक्वेशन का रूट होगा. मीन्स 2 रूट है 3x + 4 = 10 का. सिमिलरली द रूट ऑफ द इक्वेशन 3x + 5 = 17 इज 4. इसी तरह अगर हमारे पास एक और इक्वेशन हो, जैसे कि है 3x + 5 = 17 है, तो उसकी जस्ट जो है वो x = 4 के लिए सेटिस्फाइड होगी. तो यहाँ पे 4 जो है वो इस इक्वेशन का रूट कहलाता है. कि यहाँ इनको सॉल्व करने से हमारे पास जो x की वैल्यू आती है वो इक्वेशन जस्ट x की उस वैल्यू के लिए सेटिस्फाई हो रही होती है, और जो वैल्यू होती है आई मीन अननोन क्वांटिटी, वो जो है वो इस इक्वेशन का रूट कहलाती है.
नेक्स्ट सिंपल इक्वेशन एंड इट्स सॉल्यूशन। सिंपल इक्वेशन जो है वो आगे तो हम पढ़ चुके हैं कि सिंपल इक्वेशन जो है वो क्या होती है, लेकिन उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं ये अब हमने डिस्कस करना है कि सिंपल इक्वेशन का सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। द इंडेक्स ऑफ द पावर ऑफ द अननोन क्वांटिटी अपियरिंग इन एन एलजेब्रिक इक्वेशन डिटरमाइंस इट्स डिग्री। कि ये जो अननोन क्वांटिटी होती है किसी भी अलजेब्रिक इक्वेशन में, उसमें जो उसकी पावर का इंडेक्स होता है वो उसकी डिग्री जो है वो बताता है। जैसे कि कोई भी अलजेब्रिक इक्वेशन है तो उसके अंदर जो अननोन क्वांटिटी है उसमें उसकी पावर का इंडेक्स उसकी डिग्री को बताता है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे द इक्वेशन 2x प्लस 3 इक्वल टू 11 इज अ फर्स्ट डिग्री इक्वेशन। मिसाल के तौर पे ये जो इक्वेशन है 2x प्लस 3 इक्वल है 11 के, तो वो फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है। अब फर्स्ट डिग्री इक्वेशन कैसे है? एज द हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ द पावर ऑफ x इन द इक्वेशन इज 1। क्योंकि जो हाईएस्ट इंडेक्स है, ये जो पावर है वहाँ पे x की पावर उसका इंडेक्स जो है वो 1 है, इसलिए ये जो है वो फर्स्ट डिग्री इक्वेशन होगी, क्योंकि इसमें x की हाईएस्ट पावर 1 है इसलिए ये फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है। और फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन्वॉल्विंग ओनली वन अननोन क्वांटिटी। एक जो फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है उसमें सिर्फ एक ही अननोन क्वांटिटी इन्वॉल्व होती है, इज नाउन एज सिंपल इक्वेशन, तो उसको फिर सिंपल इक्वेशन कहते हैं। फर्स्ट डिग्री जो इक्वेशन है उसमें सिर्फ एक ही अननोन क्वांटिटी जो है इन्वॉल्व होती है, इसलिए हम उसको सिंपल इक्वेशन कहते हैं। तो ये सिंपल इक्वेशन की डेफिनेशन है जिसको आपने लिखना भी है और उसको याद भी करना है। अब नेक्स्ट है कि सिंपल इक्वेशन मे बी ऑफ थ्री फॉर्म्स। कि सिंपल इक्वेशन जो है वो थ्री डिफरेंट फॉर्म्स की, तीन मुख्तलिफ किस्मों की हो सकती है। नेमली जैसे कि देखें, अब नंबर वन है ए एक्स इक्वल टू बी। अब इसके अंदर एक वेरिएबल है और एक्सप्रेशन जो है वो इक्वल है कॉन्स्टेंट के, ठीक है। नंबर वन जो इक्वेशन की फॉर्म है उसमें एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो इक्वल होगा कॉन्स्टेंट नंबर के, और वहाँ से फिर हमने अननोन क्वांटिटी मीन एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। नंबर टू इज ए एक्स प्लस बी इक्वल टू सी। कि एक अलजेब्रिक इक्वेशन में एक कॉन्स्टेंट है, ठीक है, एक कॉन्स्टेंट अलग से ऐड हो रहा है जो इक्वल है एक कॉन्स्टेंट के। यहाँ पे ए बी और सी ये कॉन्स्टेंट, बी और सी कॉन्स्टेंट है और ए जो है वो कोफिशियंट है एक्स का। एंड द नंबर थ्री है ए एक्स प्लस बी इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन है इसकी दोनों साइड्स पे आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पे दोनों साइड्स पे जो है वो एक्सप्रेशंस हो सकते हैं, तो ये भी जो है इक्वेशन ही होगी, सिंपल इक्वेशन के फॉर्म में हो सकती है। जस्ट सिंपल इक्वेशन में आपने ये बात याद रखनी है कि उसमें जो अननोन क्वांटिटी मीन्स जो वेरिएबल होगा उसकी डिग्री 1 होती है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, सिंपल इक्वेशन कहा जाता है। इन ऑर्डर टू सॉल्व अ सिंपल इक्वेशन सम एक्सियम्स आर नेसेसरी। कि सिंपल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कुछ एक्सियम्स जो है वो बहुत ज़रूरी होते हैं। जैसे है नंबर वन, देखिए फर्स्ट एक्सियम क्या है, व्हेन इक्वल क्वांटिटीज आर एडिड टू इक्वल क्वांटिटीज। कि जब हम इक्वल क्वांटिटीज को इक्वल क्वांटिटीज में ऐड करते हैं द रिजल्ट्स आर आल्सो इक्वल, तो जो रिजल्ट होता है वो भी इक्वल है होता है। कि अगर हम किसी भी इक्वल क्वांटिटी में इक्वल क्वांटिटी को ऐड करें तो रिजल्ट जो है वो दोनों का इक्वल होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि है एग्जाम्पल है इफ एक्स माइनस थ्री इक्वल टू टू। अगर एक्स माइनस थ्री इक्वल हो टू के तो देन फिर हमारे पास क्या होगा, एक्स माइनस थ्री। अब ये एक इक्वेशन है कि x माइनस थ्री इक्वल है 2 के,
तो इस इक्वेशन की दोनों साइड्स पे हमको अगर कोई क्वांटिटी ऐड करते हैं, इक्वल क्वांटिटी, दोनों में सेम क्वांटिटी ऐड हो, जैसे कि यहाँ पे 3 ऐड हुआ है और इस साइड पे भी 3 ऐड किया है, तो 10 फिर आंसर क्या आएगा, हम यहाँ से देखें प्लस 3 और माइनस 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे और 3 प्लस 2 इक्वल होगा 5 के, तो आंसर क्या आएगा 10 एक्स इज इक्वल टू 5, तो एक्स जो है वो 5 के इक्वल होगा। ऑब्जर्व डैट 5 माइनस 3 इक्वल टू 2, तो आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि 5 माइनस 3 जो है वो 2 के इक्वल होता है, यहाँ पे अगर x की वैल्यू 5 हो तो 5 माइनस 3 इक्वल टू 2, दिस इंडिकेट्स दैट द वैल्यू ऑफ x इज करेक्ट, ये बात ये जाहिर करती है कि जो वैल्यू आई है x की वो करेक्ट है, ठीक है, जो वैल्यू हमने x की फाइंड की है वो ठीक है। सिमिलरली इसी तरह इफ x माइनस 1 इक्वल टू 3, अगर x माइनस 1 इक्वल हो 3 के, देन अब यहाँ पे हम अगर इस इक्वेशन की दोनों साइड पे 1 को ऐड करें, अब x माइनस 1 में भी हमने 1 को ऐड किया और 3 में भी हमने 1 को ऐड किया, तो यहाँ पे देखें जब सॉल्व करेंगे तो प्लस 1 और माइनस 1 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, जस्ट क्या बचेगा हमारे पास x, तो x किसके इक्वल होगा 4 के, तो इट्स मीन अगर कोई भी हमारे पास इक्वेशन है या कोई भी इक्वल क्वांटिटी है तो उसमें अगर हम इक्वल वैल्यू को ऐड करते हैं तो आंसर जो है वो हमेशा हमारे पास जो है वो रिजल्ट इक्वल होंगे, रिजल्ट हमेशा उसका इक्वल होता है। नेक्स्ट एग्जाम नंबर 2, व्हेन इक्वल क्वांटिटीज आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल क्वांटिटीज, कि जब हम इक्वल क्वांटिटीज में से इक्वल क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट करते हैं द रिमाइंडर्स आर आल्सो इक्वल, तो उनके रिमाइंडर जो है वो भी इक्वल होते हैं, जैसे कि हम इक्वल क्वांटिटीज में इक्वल क्वांटिटीज को ऐड करते हैं तो उनका आंसर इक्वल होता है, इसी तरह अगर हम इक्वल क्वांटिटीज में से इक्वल क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट करें तो रिमाइंडर इक्वल होंगे, दस इसलिए इफ x प्लस 5 इक्वल टू 7, अगर x प्लस 5 इक्वल हो 7 के, देन तो फिर क्या होगा, क्या अगर इस इक्वेशन की दोनों साइड्स में से हम 5 को सब्ट्रैक्ट करें तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जब कैंसिल आउट करेंगे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 5 और 5 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, जस्ट क्या बचेगा x इक्वल टू 7 माइनस 5 इक्वल टू 2, तो आंसर क्या आएगा x इक्वल टू 2, ऑब्जर्व डैट 2 प्लस 5 इक्वल टू 7, तो आप ये ऑब्जर्व करें कि 2 प्लस 5 इक्वल होता है 7 के, दिस इंडिकेट्स डैट द वैल्यू ऑफ x इज करेक्ट, तो ये इससे ये जाहिर होता है कि x की जो वैल्यू यानी कि 2 हमने फाइंड की है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है एक्सियम नंबर 3, व्हेन इक्वल क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड बाय इक्वल क्वांटिटीज, कि जब हम इक्वल क्वांटिटीज को इक्वल क्वांटिटीज से मल्टीप्लाई करते हैं द प्रोडक्ट्स आर इक्वल, तो उनके प्रोडक्ट्स जो है वो इक्वल होते हैं, जब इक्वल क्वांटिटीज को हम इक्वल क्वांटिटीज से मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके प्रोडक्ट इक्वल होते हैं, दस जैसे कि इफ 1/5x = 4, अगर 1/5x इक्वल हो 4 के, यहाँ पे वेरिएबल x के साथ जो कोफिशियंट है अब वो फ्रैक्शनल फॉर्म में है, 1/5 फ्रैक्शन फॉर्म है, देन अगर हम इस इक्वेशन की दोनों साइड्स को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपलीफाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा x इक्वल टू 20, ठीक है x इक्वल टू 20 ये आंसर होगा, तो ये x इक्वल टू 20 ये करेक्ट आंसर है, जैसे
अगर यहाँ पे हम x इक्वल टू 20 पुट करें x की जगह, तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो है वो आंसर 4 ही आएगा। इट्स मीन ये जो वैल्यू आई है x की वो 20 वो करेक्ट है। नेक्स्ट एक्सियम नंबर 4, व्हेन इक्वल क्वांटिटीज आर डिवाइडेड बाय इक्वल क्वांटिटीज, कि जब हम इक्वल क्वांटिटीज को इक्वल क्वांटिटीज से डिवाइड करते हैं, द क्वेश्चंस आर आल्सो इक्वल, तो क्वेश्चंस जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। जैसे कि हम इक्वल क्वांटिटीज को इक्वल क्वांटिटीज से मल्टीप्लाई करें तो उनके प्रोडक्ट इक्वल होते हैं, इसी तरह इक्वल क्वांटिटी को इक्वल क्वांटिटी से अगर डिवाइड करें तो उनका क्वेश्चन भी इक्वल होंगे। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे इफ़ 4x इक्वल टू 12, कि अगर 4x इक्वल हो 12 के, तो फिर अगर हम इस इक्वेशन की दोनों साइड्स को 4 से डिवाइड करें, तो 4 से जब डिवाइड करेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, सॉल्व आउट करने के लिए यहाँ पे हम 4 का रेसिप्रोकल लेंगे। जब 4 का रेसिप्रोकल लेंगे तो ये डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन के साइन में चेंज होगा। 4x मल्टीप्लाई 1/4 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 1/4, फिर ये 4 और 4 कैंसिल हो जाएंगे, तो x वन ज़ा x इक्वल टू 4 वन ज़ा 4 एंड 4 थ्री ज़ा 12, तो x इक्वल होगा 3 के। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, x इक्वल है 3 के। ऑब्जर्व डैट, ये आप ऑब्जर्व करें कि अगर हम 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास 12 आता है। यहाँ पे x की जगह अगर हम 3 पुट करते हैं तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर 12 होगा। दिस इंडिकेट्स डैट द वैल्यू ऑफ x इज करेक्ट, तो ये जो है वो ये जाहिर करता है कि जो x की वैल्यू है वो करेक्ट है। तो ये जो है वो 4 एक्सियम्स थे जो किसी भी सिंपल इक्वेशन को सॉल्व आउट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है कि ट्रांसपोजिशन क्या होती है। अब ट्रांसपोजिशन के बारे में डिस्कस करेंगे हम, तो देखिए अब सबसे पहले क्या लिखा हुआ है। फ्रॉम द फर्स्ट टू एक्सियम्स इट इज क्लियर दैट एनी टर्म ऑफ एन इक्वेशन कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन साइड टू द अदर विद द चेंज ऑफ साइन, कि जो हमने पहले दो एग्जियम्स देखे हैं उनसे ये बात क्लियर है कि अगर हम किसी भी इक्वेशन में से किसी टर्म, ठीक है, की साइड चेंज करते हैं, यानी कि इक्वेशन की जो दोनों साइड्स पे जो टर्म्स होती है अगर हम किसी टर्म की साइड चेंज करते हैं तो फिर जो है वो साइड चेंज होगी तो उसका साइन भी चेंज होगा। दिस प्रोसेस इज नाउन एज ट्रांसपोजिशन, तो इस प्रोसेस को ट्रांसपोजिशन कहते हैं। ये किसी भी इक्वेशन में कि दोनों साइड से अगर हमने किसी भी टर्म की साइड चेंज करनी है तो साइड चेंज होगी तो फिर उसका साइन भी चेंज होगा, तो ये प्रोसेस ट्रांसपोजिशन का प्रोसेस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे लेट अस टेक द इक्वेशन 7x माइनस 15 इज इक्वल टू 6, के मिसाल के तौर पे हम ये इक्वेशन 7x माइनस 15 इक्वल टू 6 ये कंसिडर करते हैं। फ्रॉम एग्जियम 1, तो पहले एग्जियम से वी कैन राइट, हम ये लिख सकते हैं एग्जियम 1 को यूज़ करते हुए अगर हम इसको सॉल्व करें तो हम लिख सकते हैं 7x माइनस 15 प्लस, यानी कि इस इक्वेशन की दोनों साइड्स को अगर हम दोनों साइड्स में 15 को ऐड करें, ठीक है, जब 15 को ऐड करेंगे तो ये आपके पास आंसर क्या आएगा, 7x इक्वल टू 21। नो और अप फ्रॉम एग्जियम 3, लेकिन एग्जियम 3 से अब देखें इसको अगर हम जब हम सॉल्व करते हैं 7x इक्वल टू 21 को, तो एग्जियम 3 के अकॉर्डिंग क्या करेंगे कि फिर हम अब को इस ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है इनकी दोनों साइड्स को अगर हम 1/7 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जब हम सॉल्व आउट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, x इक्वल टू 3।
3। तो ये हमारे पास यहाँ पे हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दो एक्सियम्स को यूज़ किया है, एक्सियम नंबर 1 एंड एक्सियम नंबर 3। तब हमारे पास x की वैल्यू क्या आई है, 3। वी सी दैट इन सॉल्विंग सिंपल इक्वेशंस द अननोन क्वांटिटी x इज टेकन ऑन वन साइड। कि हम ये देखेंगे कि सिंपल इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए जो अननोन क्वांटिटी x होती है हम उसको एक साइड पे रखते हैं, एंड ऑल द टर्म्स आर प्लेस्ड ऑन द अदर साइड। और अननोन क्वांटिटी यानी x के अलावा जो हमारे पास टर्म्स होती हैं जिनमें कॉन्स्टेंट्स होते हैं उनको हम इक्वेशन की दूसरी साइड पे रखते हैं। द एक्सियम्स रिगार्डिंग मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन देन गिव द वैल्यू ऑफ द अननोन क्वांटिटी। तो अगर हम वेरिएबल x यानी अननोन क्वांटिटी को एक साइड पे रखें और बाकी सारी टर्म्स जो हैं वो एक साइड पे हों, फिर उस ऐसी सिचुएशन में हमें जस्ट एक्सियम नंबर 3 और 4 यानी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की जो है उनके प्रोसेस को सॉल्व करने की ज़रूरत होगी, फिर हम वहाँ से अननोन क्वांटिटी की वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग द एक्सियम्स नंबर 3 और 4 जिसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होगी। तो आज वाले लेक्चर में हमने ट्रांसपोजिशन का प्रोसेस डिस्कस किया है और एक सिंपल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो नेसेसरी एक्सियम्स हैं उनको भी डिस्कस किया है। इसके अलावा अननोन क्वांटिटी क्या होती है, मीन्स वेरिएबल, उसका रूट क्या है। तो इसमें से आपने ये सारी चीज़ें जो है वो अपने माइंड में रखनी है क्योंकि क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए ये सारी चीज़ें आपको जो है वो यूज़ करेंगे। और इसके अलावा जो फर्स्ट डिग्री सिंपल इक्वेशन है, ठीक है, उसकी डेफिनेशन को आपने लिखना भी है नोटबुक पे और याद भी करना होगा। अल्लाह हाफिज़।